हे गाइस, वेलकम टू एमएन व्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमज़ान का सातवां रोज़ा एंड सेवन्थ फास्ट बहुत बहुत मुबारक हो। सातवां दिन है आज रमज़ान का और मैं ये वीडियो आज डालूंगी। तो वैसे तो मैंने शूट किए तीसरे रोज़े को ही कर लिए, बट आपको ये सेवन्थ रोज़े यानी कि फ्राइडे को देखिए, कल भी मेरी वीडियो आई है इनकी वेडनेसडे को, वो आ चुकी है, आपने देख ली होगी अब तक। सो आज की इस वीडियो में जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है रिव्यूज़ की वीडियो, बिकॉज लास्ट मेरी वीडियो थी हेवन डव रिव्यू क्रीम के बारे में। उस पर आप देखो आप लोगों ने इसको कितना ज़्यादा पसंद किया, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। आप लोगों ने इसको इतना ज़्यादा पसंद किया और सब ने कमेंट किया कि हम ज़रूर ट्राई करेंगे और रिव्यूज़ की वीडियोज़ बनाओ। तो मुझे लगा कि मुझे रिव्यूज़ की वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो मैं बहुत ही अच्छी दो चीज़ों का रिव्यू आपको देने वाली हूँ जो कि आपको लाजमी यूज़ करनी चाहिए। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना परफ्यूम कलेक्शन रीज का एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं परफ्यूम कलेक्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने लिए, तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं उसका भी रिव्यू बनाऊँ या फिर आप लोगों को दिखाऊँ कि मेरे पास टोटल कितने सारे परफ्यूम्स हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये रही मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, MNName2289। आप लोग मुझे सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, पर यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मैं अभी तीन चार दिन पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे आना स्टार्ट किया, ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं और इंशाल्लाह हो जाएंगे, मुझे देख के लग रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं पहली चीज़ का आपको रिव्यू देने वाली हूँ वो है ये हेवन डफ की एक न्यू क्रीम है जो कि मैं पिशावर से लाई हूँ। आपको कहीं से भी मिल जाएगी, क्योंकि ये कहीं से भी आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं आपको पिशावर ही आना पड़े, जहाँ भी आप हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। मैं तो आपको ऐसे बता देती हूँ। सो ये है हेवन डफ की वाइटनिंग प्रोफेशनल वाइट मस्कर वाइट क्रीम और ये पर्ल एसेंस है इसके अंदर, और ये बहुत ही अच्छी डे क्रीम है। अभी मैंने यही लगाई हुई है, उसके अलावा मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया। आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लो ग्लो सा कर रहा है। और ये क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके ऊपर आप कोई भी पाउडर लगा लीजिए और बस दैट्स इट, पूरी रात तक ही आपकी चलेगी। इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए, और ये आपकी स्किन को वाइट बनाता है, ग्लोई करता है, और आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है, और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। ये बहुत ही लाइट टच क्रीम है, इसको आप लगाओ तो ये नहीं होता कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है, या जिसको कहते हैं ना फेस आपका बहुत ज़्यादा जो है वो आपको लगता है कि आपने वाकई कोई क्रीम लगाई हुई हो, गर्मी में वो बह जाती है, बिल्कुल ऐसी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप गर्मियों के लिए कोई अच्छी डे क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ख़ासतौर पर इसके अंदर वाटर मिनरल्स हैं जो कि आपकी स्किन को प्योरीफाई भी करेंगे और आपकी स्किन में मिनरल्स भी लाएंगे। मैं इसकी यहाँ पे सारी डिटेल्स भी यहाँ पे लगा दूँगी ताकि आपको दिख जाए। प्रोफेशनल क्रीम है ये डे क्रीम, सो आई थिंक आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा ऐसे भी दिखा देती हूँ। सो अब मैं नेक्स्ट जिस चीज़ का आपको रिव्यू देने वाली हूँ, सो जो सेकेंड चीज़ है जिसका मैं आपको रिव्यू देने वाली थी वो है हेवन डव का ही एक्सफोलिएटिंग स्क्रब लेमन एक्सट्रैक्ट के साथ। ये हेवन डव का ही है, आजकल मैं हेवन डव के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ स्पेशली फॉर स्किन। तो ये एक्सफोलिएट्स मतलब ये आप ये एक स्क्रब है जो कि आपकी स्किन से सारी डर्ट और सारी पोल्यूशन बाहर निकाल देगी, और इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट, और लेमन तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करती है और आपके जो स्किन में पोर्स हो जाते हैं ना ब्लैक ब्लैक से, उनको भी ठीक कर देती है और ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करती है। आपकी स्किन को टेंडर एंड इलास्टिक कर देती है, यानी कि आपको कोई भी मड मास्क या कपहारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर रिफ्रेशिंग वाटर जेल फार्मूला है जो कि आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को प्योरीफाई कर देगा और जो आपकी पोर्स हैं उनके अंदर से डर्ट को रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को क्लीन क्लीन कर देगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है और जेंटली अपने फेस पे ऐसे ऐसे स्क्रब करना है, एंड दैट्स इट। 5 मिनट के बाद आप अपना फेस वॉश कर लें या फिर आप नहाएं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फेस के अलावा हैंड्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, आप सबको ये सूट कर जाएगा। और ये आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को, और ये आपकी स्किन को शाइनी स्मूथ एंड वाइब्रेंट बनाएगा। तो आई थिंक क्या आपको ये भी बहुत अच्छे से ट्राई करना चाहिए, हेवन डव लेमन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब।
ये देखो मैं आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप है। और देखो किसने अच्छे इसके अंदर लेमन के वो पूरा वो इन्होंने पैकेजिंग बनाई है, इसके ऊपर लेमन्स बने हुए, रियल नहीं है फेक है इसकी पैकेजिंग है ये। सो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप इन दोनों प्रोडक्ट्स जो दोनों हेवन डव के हैं इन दोनों को लाजमी ट्राई करें। ये डे क्रीम है और ये एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो आप लोगों ने वैसे भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि किसी चीज़ का तो रिव्यू बनाओ ही बनाओ, तो मैंने सोचा मैं इन दोनों चीज़ों का रिव्यू बना देती हूँ क्योंकि और मुझे कोई चीज़ मिली नहीं। और अगर आपको मेरे परफ्यूम्स का कलेक्शंस देखना है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वैसे मेरे पास एक हेयर सीरम भी पड़ा है, बड़ा अच्छा है, मैंने खुद भी आज तक ट्राई नहीं किया, एक दफ़ा किया था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं उसका भी रिव्यू करूँ तो भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आई होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो अब मेरी नमाज का टाइम हो रहा है और पढ़ाई का भी, तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड मस्ट ट्राई दीज टू प्रोडक्ट्स, ओके? ये मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, किसी ने मुझे पे वे नहीं किया जो मैं ऐसी तरफदारी कर रही हूँ, वैसी मुझे अच्छी लगती है जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।